नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। सिमरिया तहसील के हरदुआ में खरीदी केंद्र में जमकर हुई मारपीट, जिसका वीडियो हुआ वायरल। शराब के नशे में कुछ लोग उत्पात मचा रहे हैं, कुछ लोग समझाइश दे रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रीवा के सिमरिया तहसील के हरदुआ में खरीदी केंद्र पर जमकर हुई मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। वह वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। हम आपको बता दें, सिमरिया तहसील के हरदुआ खरीदी केंद्र में दो पक्षों में जमकर कहासुनी, नोकझोंक और मारपीट हुई। मिली जानकारी के अनुसार शराब पीकर आए कुछ लोगों ने सेल्समैन के साथ जमकर मारपीट करते हुए गाली गलौज की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर हो रहा वायरल। हम आपको बता दें, इन दिनों धान खरीदी केंद्र में तौल और धान रिजेक्ट को लेकर जमकर विवाद हो रहा है। कुछ इसी तरीके का मामला हरदुआ में देखने में नजर आया, जहां पर खरीदी केंद्र में कई लोग मौजूद थे। आम तौर पर इन दिनों देखा जा रहा है खरीदी केंद्र में लंबी लंबी लाइनें, किसानों को काफी वक्त लगता है, जिसको लेकर कहासुनी, नोकझोंक अक्सर देखने में आती, लेकिन इस तरीके से नहीं जैसे हरदुआ में देखने में नजर आए। हम आपको यहां पर यह भी बता दें, हरदुआ रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने इसी गांव को गोद लिया था। एक गांव को गोद लेने के बाद उन्होंने इसे आदर्श गांव बनाने का दर्जा भी दिया था, लेकिन आप अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से आदर्श गांव हरदुआ में, जो हमारे रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने इस गांव को गोद लिया था, किस तरीके से गाली गलौज, मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। खास तौर से सेल्समैन के साथ, वो व्यक्ति जो धान की खरीदी में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता, उसके साथ इस तरीके की वारदात को कतई सही नहीं कहा जा सकता। अक्सर ही इन दिनों धान खरीदी केंद्रों में आए दिन इसी तरीके की वारदात देखने में नजर आती है। उसकी साफ सुथरी सीधी सी वजह है, यहाँ पर लोग अपना ट्रैक्टर लेकर, जिसमें धान लाद कर लेकर आते हैं, ट्रैक्टर खड़ा कर देते हैं। अब उनके पास समय बिताने के लिए वक्त नहीं होता, काफ़ी वक्त लगता है। इस तरीके से शराब के आदि लोग शराब पीते हैं, उसके बाद सेल्समैन से जल्दी तौल को लेकर वाद विवाद करते हैं। जल्दी तौल को लेकर वाद विवाद की स्थिति में कुछ इसी तरीके के मामले अक्सर देखने में नजर आते हैं, जैसा कि सिमरिया तहसील के हरदुआ में आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। साफ तौर से कहा जा सकता है धान खरीदी केंद्र हरदुआ में इस विवाद में किस तरीके से आपस में मारपीट हो रही है, इसको देखकर हम कह सकते हैं कभी भी कोई भी अप्रिय स्थिति, अप्रिय घटना हो सकती है। नाटक करते यही
दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।